हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। हमेशा की तरह आपको फिर से एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। ये कहानी सिर्फ कोई किस्सा नहीं है किसी व्यक्ति का, बल्कि ये एक सवाल भी पूछती है आपसे। तो मैं उम्मीद करूँगा इस कहानी में आप मेरे साथ अंत तक रहेंगे। अगर पसंद आए तो ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली की बसों में भीड़ भाड़ बहुत रहती है, आए दिन लोगों की जेब कटती है, अक्सर लोग अपना सामान भूल जाते हैं, अक्सर लोग अपना सामान बस में गिरा भी देते हैं, पर दिल्ली की बसें हमेशा चलती रहती हैं। उस दिन की बात है, बाहरी मुद्रिका में किसी का बटुआ गिर गया था। बटुआ बहुत पुराना सा था, किसी की नज़र नहीं पड़ रही थी उस पर। तो पर कुछ देर बाद कंडक्टर की नज़र पड़ी उस पर। कंडक्टर ने उस बटुए को उठाया और चिल्ला के पूछा, अरे भाई, किसी का बटुआ गिरा है क्या? कंडक्टर ईमानदार आदमी था, उसने सोचा ये बटवा जिसका है उसको लौटाया जाए, पर किसी का कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद दबी सी आवाज आई पीछे से, अरे ये बेटा, वो मेरा बटवा है। कंडक्टर ने पीछे मुड़ के देखा तो एक बूढ़ा सा आदमी, जिसकी कमर झुक गई थी, बाल सफेद हो गए थे, लगभग 80 साल का था। अरे अंकल, ये बटवा आपका है? बूढ़ा आदमी बोला, हाँ, ये बटुआ मेरा है, पर मैं कैसे मानूँ कि ये बटुआ आपका है? कुछ सबूत बताइए, कुछ पहचान दीजिए। तो बूढ़े आदमी ने दबी आवाज में बोला कि उसमें बहुत पुरानी सी कृष्णा जी की एक फ़ोटो है। कंडक्टर ने बटुआ खोल कर देखा तो हाँ, एक पुरानी सी फ़ोटो तो थी। बट कंडक्टर ने कहा, अंकल, ये भारत है, यहाँ आपके मोबाइल में जगह जगह कृष्णा जी की फ़ोटो तो होती है। हर व्यक्ति अपने मोबाइल में, अपने वॉलेट में भगवान की फ़ोटो तो रखता ही है, तो इसमें बड़ी बात नहीं है कि ये बटुआ आपका हो या किसी और का हो। कुछ और बताइए, अच्छा बताइए, इसमें पैसे कितने? बूढ़े ने बोला, 500 के कुछ नोट थे शायद, बेटा मुझे इतना याद नहीं, बट हाँ, 500 के नोट थे दो। कंडक्टर ने फिर से देखा तो 500 के दो नोट भी थे और कुछ अलग पैसे भी थे, पर फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। उसे लग रहा था कि ये बूढ़ा आदमी कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। कंडक्टर की शक्ल देख के वो बूढ़ा आदमी समझ गया कि अभी भी संतुष्ट नहीं है, इसके दिमाग में अभी भी डाउट है। तो बूढ़ा आदमी ने बोला, देखो बेटा, जब मैं छोटा था, 10 साल का, तो मैं अक्सर अपने पैसे घुमा देता था, मेरे पैसे अक्सर मुझसे खो जाते थे, तो पिताजी ने मुझे ये बटुआ ला के दिया और बोला कि अपने पैसे इसमें रखा करो, साथ ही साथ ये जो फोटो देख रहे हो ना, वो फोटो भगवान कृष्णा की उन्होंने मेरे बटुए में लगाई और कहा कि कृष्णा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना। छोटा बच्चा था तो इस बात पर इतना ध्यान दिया नहीं, बटुआ लेके दोस्तों को दिखाने चला गया। कुछ महीनों बाद मैंने कृष्णा जी की फ़ोटो के ऊपर अपने माता पिता की फ़ोटो लगा दी। इसी तरीके से समय बीत गया, मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया। कॉलेज में पहली बार मैं अपनी पत्नी से मिला, मैं उसे पसंद करने लगा और उसकी फ़ोटो मैंने अपने वॉलेट में लगा दी, अपने माता पिता जी के ऊपर। कुछ समय बाद मैंने उससे शादी कर ली। हमारा परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था, हमारे बच्चे हुए, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब भी ऑफिस में जाता, उनके लिए शाम को जरूर कुछ ना कुछ लेके आता, तो मैंने अपने बच्चों की फ़ोटो अपनी वाइफ के फ़ोटो के ऊपर रख ली। जब भी ऑफिस में उनको याद करता तो उसकी फ़ोटो देख लिया करता। कुछ समय बाद माता पिता का भी देहांत हो गया और परिवार फिर हमारा आगे चलने लगा। बच्चे बड़े हो गए, बच्चों के भी स्कूल में एडमिशन कराए गए और कुछ समय बाद मैंने अपनी पत्नी को भी खो दिया। बच्चे और बड़े हुए, बच्चों के भी बच्चे हो गए, अब मेरा तो सिर्फ मेरे नाती पोते ही रह गए थे। फिर मैंने अपने नाती पोतों की फ़ोटो अपने वॉलेट में लगाई, मैं उन्हें बहुत प्यार करता था, हमेशा उनकी फ़ोटो को देखा करता था। फिर मेरी नौकरी भी चली गई, धीरे धीरे मैं अपने बच्चों पे बोझ बन गया। कुछ समय बाद मेरे बच्चों ने भी मुझे ओल्ड एज होम डाल दिया, मैं अकेला रहने लगा। तो पहली बार मेरे बच्चे ने मुझे ओल्ड एज होम डाला था ना, तो मैं अकेला बैठा था, किसी से बात नहीं कर रहा था। तो मैंने ये बटुआ निकाला और खोल के देखा तो मेरे नाती पोतों की फ़ोटो थी। मैंने उस फोटो को जैसे ही निकाला तो देखा, अरे, मेरे जब बच्चे छोटे थे तब की मैंने फ़ोटो अभी भी वहीं लगाई हुई है। मैं उस फोटो को देख के कुछ देर भावुक हुआ, पर जैसे ही मैंने वो फ़ोटो निकाली तो मैं देखता हूँ कि मेरी पत्नी की फ़ोटो है, जब मैं शादी से पहले उससे मिला था। वो
फ़ोटो देखने लगा, मुझे उसकी कुछ देर याद आई और फ़ोटो वह निकाली। और जैसे ही फ़ोटो वह मैंने निकाली तो मैं देखता हूँ मेरे माता पिता की फ़ोटो थी। तो जब मैंने अपने माता पिता की फ़ोटो देखी तो मैं भावुक हो गया। मैं कुछ देर उनको देखता रहा, फिर मैंने वो फ़ोटो भी निकाली तो मैं देखता हूँ कि वही फ़ोटो जो कृष्णा की मैं जब 10 साल का था मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, जो कि आपके हाथ में है इस वक्त, वो फ़ोटो थी। उस समय पिताजी ने मुझे कहा था कि कृष्णा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, कृष्णा तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं। तो उस समय तो पिताजी की बात मुझे समझ नहीं आई थी, पर अब जब जीवन में अकेला हूँ तब ये बात समझ में आती है कि कृष्णा तुम्हें कभी नहीं छोड़ते, कृष्णा तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं। मैंने देखा जब मैं छोटा था तब भी कृष्णा मेरे साथ थे, जब मैं बड़ा जवान हुआ तो अभी कृष्णा मेरे साथ थे, आज मैं बूढ़ा हूँ लाचार हूँ तब भी कृष्णा मेरे साथ हैं। पर मैं वो था जिसने रिश्तों की चादर कहीं ना कहीं कृष्णा पर ढक दी थी और कृष्णा को छुपा दिया था अपने लाइफ से, पर कृष्णा तब भी मुझे देखते थे, बस मैं ही नहीं देख पाता था। कुछ देर के लिए सब लोग बस में शांत रहे, मानो सब उसकी कहानी सुन के अपने जीवन से जोड़ पा रहे थे, और एकदम से बस में जबरदस्त सन्नाटा छाया। कंडक्टर ने उस बूढ़े आदमी को देखा और चुपचाप अपना हाथ बढ़ाया और बोला, बाबा ये आपका ही बटुआ है, इसे आप रख लीजिए। बूढ़े आदमी ने बटुआ लिया, बटुआ खोल के देखा, कृष्णा जी को देखा और मुस्कुराया और अपनी सीट पे वापस चुपचाप बैठ गया। तो कहानी यहीं समाप्त होती। ये कहानी वैसे तो बहुत सिंपल सी सरल सी स्टोरी है, पर इसे ध्यान से समझेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि रिश्तों की, जीवन की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख देके जाती है। ये कहानी बताती है कि हमारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग चले जाएंगे, पर जीवन चलता ही रहता है। ये कहानी बताती है कि हम अक्सर उम्मीद करते हैं कि हर व्यक्ति हमारे साथ रहे, पर कुछ हमें छोड़ देते हैं और कुछ को वक्त हमसे छीन लेता है। पर जो हमेशा हमारे साथ रहता है वो यही है कि मैं और मेरे भगवान का रिश्ता। भगवद गीता में भगवान कृष्णा चैप्टर 15 वर्स 15 में यही बताते हैं कि भगवान हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं, हमसे कभी दूर जाते ही नहीं हैं। और ये रिश्ता ऐसा है जो शरीर के साथ भी और शरीर के बाद भी है। भौतिक रिश्ते तो शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं, पर ये वो रिश्ता है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। पर हम देखेंगे कि हम भौतिक मटेरियल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए कितना प्रयास करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं ताकि अपने रिश्ते हम मजबूत रख सकें। पर क्या यही प्रयास हम अपने भगवान के साथ भी करते हैं? ये कहानी हमसे ये सवाल पूछती है, ये पूछती है कि आप कितना प्रयास करते हो आपका और अपने भगवान का रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। तो कहानी मैं यही समाप्त करूंगा। इस कहानी में मैंने एक बूढ़े आदमी की कहानी सुनाई जो बताता है हमें कि उसके जीवन में किस तरीके से बहुत से लोग आए और बहुत से लोग चले गए, और जो साथ था, जो साथ है, जो साथ रहेगा वो है कृष्णा। उसके लिए वो क्या कर रहा है? आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आपके सवालों के जवाब देने में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।